विचार ही तो देते हो बच्चे को बंदूक रख के दिमाग पे तो नहीं कहते कि पढ़, आप विचार देते हो उसको, थॉट प्रोसेस देते हो, और जिससे कि वो सीखता। और देखिए और शक्ति आपको बताओ, रामायण ले लीजिए, मंथरा के दिल में एक खोटा विचार आया, वो विचार के कई को दिया, के कई ने वो विचार दशरथ को दिया, और जो अयोध्या खुशियां मना रही थी राम राज्य के ऊपर, वही अयोध्या शोक में डूब गई, सिर्फ एक विचार मंत्रा के दिल में, एक विचार, कितनी शक्ति है, पूरी सिटी को शोक में डाल दी। दूसरा देखिए महाभारत ले लीजिए, अर्जुन, अर्जुन ने देखा सामने कि मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे लड़ूं, गांडीव फेंक दिया और कृष्ण को कहा मैं नहीं लड़ता, कृष्ण ने उस वक्त उसके माथे में बंदूक रख के नहीं कहा उठा और लड़, सिर्फ उसको गीता का विचार दिया, गीता सुनाई, विचार दिया, वो थॉट प्रोसेस ऐसा अंदर गया, वही युद्ध की भूमि, वही गांडीव, वही अर्जुन, वही कृष्ण, वही रिश्तेदार, गांडीव उठाया और सारों को मार दिया, एक विचार की शक्ति, कितना प्रबल है ये विचार, कितना प्रबल है ये विचार। तो डियर टीचर्स, ये विचार की शक्ति आपके हाथ में है, आप ये विचार देते हो बच्चों को, आपने बनाना है मेरे भारत का भविष्य। मैं आपको, क्योंकि टीचर्स हैं आपको, मैं एक आप ही का एग्जांपल देता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक बारी मिसेस सरिता रंजन जयपुर से आने लगे, इनके दिल में ना बेनेवोलेंस का ख्याल आया, इनके दिल में आया कि चलो मैं जा रही हूं अबोहर, वहां पे जाऊंगी क्लासरूम के अंदर, तो वहां पे बच्चों को ये मिठाई ले जाऊंगी, तो वहां के जो भी अच्छी अच्छी मिठाई होती है, मुझे पता नहीं क्या होती है, लेकिन जो भी अच्छी अच्छी होती है, मैं सेहत से वैसा हूँ मिठाई खाता नहीं, तो इन्होंने खैर मिठाइयाँ वहाँ से ली, लेकर आ गए। जब वो वहाँ पर आए, मिठाई सारी रखी, बर्फी भी थी, रसगुल्ले भी थे, लड्डू भी थे, गुलाब जामुन भी थे, समोसे भी थे, जलेबियाँ भी थी, सब लाकर क्लासरूम में रख दी और बच्चों को बोला ये आपके लिए है। बच्चों ने उठ के तो झपट्टा मारा एकदम उसके ऊपर, और जैसे ही झपट्टा मारा, दोनों हाथों, किसी के दोनों हाथों के अंदर लड्डू, किसी के दोनों हाथों में बर्फियां, किसी के दोनों हाथों में समोसे, लेकिन सब रो रहे हैं, मुन्नी ने मेरे को समोसा नहीं दिया, पप्पू ने मेरे को लड्डू नहीं दिया, वो ले गया, वो रो रहे और दोनों हाथ भरे हुए। मैडम प्रिंसिपल ने देखा कि ये क्या हो गया क्लासरूम में, ये गए, बच्चों को शांत किया, उनको बैठाया, उनको समझाया कि भाई मिठाई तो सबके लिए थी और बहुत थी, तो आप क्यों ऐसे झपट्टा मार रहे थे, अगर बारी बारी लेते, एक दूसरे के साथ शेयर करते तो बहुत थी। खैर कुछ महीने बीत गए, उसके बाद मिसेस रंजन को फिर से ख्याल जब आया, मिसेस रंजन आता है ना ख्याल ऐसा कभी कभी, जब फिर से ऐसा ख्याल आया तो ये फिर से जब मिठाई लेकर आए क्लासरूम में रखी तो माहौल बदल गया। पप्पू कहे मुन्नी तू ले ले, वो कहे नहीं भैया तू ले ले, वो पप्पू नहीं तू रसगुल्ला ले ले, तू लड्डू ले ले, वही क्लासरूम जहां सब रो रहे थे, जो नर्क बन गया था, वही क्लासरूम स्वर्ग में बदल गया, सिर्फ प्रिंसिपल का एक विचार। विचार की शक्ति बड़ी प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है। स्कूल वालों से तो मैंने बात करी, डियर पेरेंट्स आपको भी मैं बता दूं, कभी अपने दिल में कोई नेगेटिव विचार मत आने दें, कभी कभी आ जाता है ना, कोई खोटा छोटा गंदा विचार आ जाता है माइंड, कभी भी ऐसा विचार मत आने देना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक बारी एक नव विवाहित जोड़ा था, वो जैसे ही अपना ऊपर को जाने लगे बेडरूम के ऊपर, तो उसकी घरवाली ने अपने घरवाले को कहा
कि जरा देख के आओ कहीं चोर तो नहीं आया। उसने कहा पलिए लोके इतने चोर नहीं आ सकता, असी कॉलोनी विच रह रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह है, थले मां प्यो भी ने, सारे ने, पूरा टब्बर है, इतने चोर कितने आने। और कहने नहीं 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 देख के आओ चोर तो नहीं आया। बेचारा अच्छा जी, अब आप जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हो आप सबको मालूम है अगर लेडी ऑफ द हाउस कहे कि ये करके आओ तो आप करके आओगे, यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। तो वो बेचारा गया नीचे, नीचे उतरा, जाके उसने देखा, एक एक खिड़की देखी, एक एक दरवाजा देखा, एक एक जगह देखी, ये कहीं चोर तो नहीं आया, चोर तो नहीं, सब बंद थे। वापस ऊपर गया, क्या कोई चोर नहीं आया, चलो सो जाओ चुपकर। अगले दिन जब फिर से ऊपर जाने लगे तो बीवी ने कहा जरा देख के आओ चोर तो नहीं आया। वो कहे तेरे को कल तो बताया था भाई चोर नहीं आता, तो नहीं 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 देख के आओ चोर तो नहीं आया। वो बेचारा फिर से गया, देखने गया कहीं चोर तो नहीं आया, चोर तो नहीं आया, फिर से खिड़कियां देखी, दरवाजे देखे, खैर कोई चोर नहीं आया, फिर जाके सो गए। ऐसे 10 दिन बीत गए, तब तक वो ट्रेन हो गया था, जैसे ही ऊपर जाने लगते वो कहता मैं देख के आया चोर तो नहीं आया, अपने आप ही चले जाता था बेचारा देखने के लिए चोर तो नहीं आया। धीरे धीरे ऐसे रोज चोर को देखते 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 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद वो एक दिन जब नीचे गया देखने के लिए, लो एंड बिहोल्ड सामने एक चोर खड़ा था। जाके जोर से चोर को चप्पी डाल दी गई, यार चोर तू कहां था, मेरी बीवी 4 महीने तेरे इंतजार कर रही है। ये जो नेगेटिव थॉट उस लेडी के मन में आया कि देख के आओ चोर तो नहीं आया, वो चोर को वाकई मान ले आया। इसलिए डियर पेरेंट्स, कभी भी अपने दिल में कोई नेगेटिव बात मत आने देना, कोई नेगेटिव थॉट मत आने देना, कोई नेगेटिव बात आपके दिल में आए एकदम निकाल देना, और याद रखना मेरी बात को कि कहीं वाकई चोर ना आ जाए। तो बातें तो बहुत कर सकता था, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुआ करता हूँ कि आपका स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करता चला जाए और आगे बढ़ता चला जाए, अबोहर के बच्चों को सही राह दिखाता चला जाए, अबोहर में एक नॉलेज का एक आइलैंड बनकर खड़ा हो। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, आजाद रहो। जय हिंद। Thank you so much, sir. We are really blessed to hear this motivational.